नमस्कार जी। नमस्कार जी, मझुआ गांव में हमारा शायद जी दस ग्यारह आप देख रहे हैं, इसका फसल कटे हुए दिवस है और सौभाग्य से हमारे साथ विजय कुमार विश्वास जी हैं जो इसी गाँव के हैं और इन्होंने भी पहली बार शायद जी दस ग्यारह लगाया है। आइए हम उनका अनुभव शेयर करते हैं। तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में स्वागत और सबसे पहले धन्यवाद, पहली बार आपने शायद जी दस ग्यारह लगाया। तो एक छोटा सा सवाल रहेगा तमाम हमारे जो किसान भाई इस यूट्यूब के वीडियो को देखेंगे कि इस सहजी दस ग्यारह को आपने जो लगाया तो एक किसान के नाते आपने क्या क्या अनुभव किया, अपने अनुभव आप शेयर किए। इससे पहले तो हमने 91 भी इसका खेती करते थे, 90-81 बाद में पेनियोर का आया जिसमें कि पंकज जी पेनियोर का 35/33/55 ये सब भी लगाए। इस बार पंकज जी इसमें साया जी में फंसा हुआ है हर्षन जी। उसके बाद इसको हम लोगों से पहले संतोष जी से संपर्क हुए थे, उन्होंने बताया कि हम अपना रिक्स पर आपको जो है कि साया जी का मक्का दे रहे हैं। इससे पहले श्यामसुंदर जी को उसमें 2 पॉकेट दिया भी, वो 2 पॉकेट के मार्फत उसका पौधा देखते हुए उसका अंकुरण को देखते हुए हमने जाकर के एक भाई के साथ बैठ के संतोष जी ने कहा कि नहीं भाई, आप जो ज़्यादा ज़मींदार हैं, आप दो भाई मेहनत करने वाले हैं, इसमें से आप 7 पॉकेट डाल देंगे। तो उन्होंने बेचारे 355 साया जी 011 012 का दिया हम और उन्होंने 3 रंग का खेत में लगाए। एक रंग में जो है कि ऐसा मक्का लगाया है कि जो अभी कटाई होने वाला है क्योंकि इसके लाट में ही 2-3 रोज के अंतर है और ड्राइजेटिंग जो है कि वही है और मेहनत इसमें कुछ कम लगा है और बिया में भी खपत कुछ कम है। दूसरी में है कि नमी का पानी का भी कमी है। दूसरी हम लोग मेहनत के उत्पादन में इस मक्का को पैदावार ज़्यादा देखते हैं कि एक नियम इसका ये हम देखते हैं कि इसमें कम खाद की पानी खाद जो जितना डालेंगे इसमें उतना ही फायदा उठाएंगे और जो खाद नहीं डालेंगे मेहनत की मार्फत से उसको फायदा नहीं उठा पाएंगे। और 011 012 में हम देखते हैं कि इसका बलरी और दाना छील छील का 35 बैच भी लगाया है इसके बगल में और इसके बगल में साया जी 355 भी लगाए हैं, इसके बगल में 10 11 10 12 भी लगाए हैं लेकिन इसमें जो है हम कम खासियत है। और ये मक्का में ये खासियत है कि हमने जो लगाया है 3 रंग का खेत में लगाया है ये 10 11 और 10 तो इसमें हमको जो है कि कुछ कटाई होने वाला है, उम्मीद से उम्मीद लगता है कि 55 क्विंटल से लेकर के 7 क्विंटल तक निकल जाएगा। दूसरी में है कि हम इसका रंग भी देखते हैं रारंगी की जैसा है और दाना भी इसका बहुत बड़ा बड़ा है क्योंकि हमको संतोष जी ने अपने दावा किया था कि आपका खेत का यदि कोई तरह की अंकुरण आ जाएगा तो मैं इसका जुर्माना देने वक्त तैयार हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद, इसे आगे हम नहीं बोलेंगे। अच्छा। तो आप जो है कि मेरा बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने जो बताया मैं सिर्फ 5-6 चीज़ें बोलूँगा जो हमने पर्चा छप बांटते हैं लीफलेट उसमें हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं। मैं सिर्फ आपसे पूछूंगा कि आपने कैसा अनुभव किया, जैसे हमारा लीफलेट में दवा है कि चमकीला आकर्षक नारंगी दाना, इसको आप क्या बोलेंगे इसको? इसको ये नारंगी दाना है और इस दाना के असने में कोई भी मक्का का दाना हमको नहीं है। दूसरा हम लोग उसमें बोलते हैं कि सिरे तक भूरा भुट्टा, ये आप देख सकते हैं ये इसी का भुट्टा है और बिल्कुल सिरे तक है। यदि आपका टिप 10% ज़्यादा पूरा भरा है तो इसका मतलब आपकी पैदावार भी ज़्यादा है, 40 से 45% इधर आगे है। दूसरी में इसका खासियत यह है कि ये बलरी इसमें बहुत कम बहुत पतला है। चौथी चीज़ हम बोलते हैं कि अधिकांश पौधों में 2-2 भुट्टे, तो आपने क्या अनुभव किया कितने पेड़? इसमें 2-2 भुट्टे की कारण ये है कि एक भुट्टे आपको ये डबल भुट्टे वाला दिखा, तो कितने पेड़ों में आपको डबल भुट्टे मिले? कई दूरी पर हो गए हैं तो ये 2 भुट्टे के हैं, नीचे वाले भुट्टे ये ऊपर वाले भुट्टे। कितने भुट्टे आपको कितने पेड़ों में 2-2 भुट्टे मिले ये आपको जी हजूर? आपको मटियार वाले खेत में जो है कि वर्तमान का जो लगाए हुए हैं उसमें हम समझते हैं कि 60% 2 भुट्टे। दूसरा हमारी कंपनी उसमें जो दवाई से उपचारित करती है तो कीड़े बीमारी कम आते हैं, तो आपका कैसा अनुभव है इसमें? तो कीड़े बीमारी की जिसके पास दवाई की जानकारियाँ की मात्रा जिसके पास ठीक है तो सुरक्षित एक बार अगर दवाई डाल देने के बाद में उसे दोबारा कोई इंटरेस्ट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके पास जानकारी की कमी है तो वो 2 बार भी डाल सकते हैं लेकिन दवाई का इसमें खासियत की बहुत कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने अपना अनुभव शेयर किया।